आज के टेक्नोलॉजी के दौर में चिट्ठियों का जमाना भले ही कम हो गया है, लेकिन आज भी किसी न किसी काम में डाक का इस्तेमाल होता ही है। आप भी कभी न कभी किसी न किसी जरूरी काम के लिए डाकघर गए ही होंगे। हालांकि ये अलग बात है कि आपने पानी में तैरता हुआ डाकघर ना देखा हो। जी हाँ, कश्मीर में एक ऐसा डाकखाना है जो पानी में तैरता है। भले ही आपको ये बात अजीबोगरीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। No one knows the actual history of this post office, but for saying, bolting it, this is situated here from the Britishers' time, near about 100 years. तो इसकी काफी पुरानी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री होने के साथ साथ ये पोस्ट ऑफिस अपने आप में यूनिक फीचर है। इट्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नॉट इन एशिया, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इन अदर मीन्स इट्स अ वर्ल्ड फेमस। बेसिकली इट्स अ हाउस बोट। तो इसकी इनर स्ट्रक्चर ये जस्ट लाइक अदर हाउस बोट्स यहाँ डल में हैं, उसी टाइप के यहाँ के इनर स्ट्रक्चर, यहाँ के वुड कार्विंग है, ये बहुत अट्रैक्टिव। पहले इतना अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन उसके बाद दो तीन सालों से इसको मॉडिफिकेशन की गई, इसमें बहुत अच्छे काम किए गए, इसको बढ़िया बनाया गया है। इसके आर्किटेक्चर को मॉडिफिकेशन की गई है, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट बहुत करता है इस वजह से। पर पहले ये ऑर्डिनरी ही थी, लेकिन अब इसकी ये जो कंस्ट्रक्शन या इसकी जो रेनोवेशन हो गई है ना, उससे काफ़ी अट्रैक्टिव बन गया है। पानी पर तैरता पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों की हुकूमत के जमाने में बनवाया गया था। इस डाकघर को पहले नेहरू पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब हेरिटेज पोस्ट ऑफिस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के नाम से फेमस है। ये जो बड़ा एरिया है, ये जो डल का एरिया है, इनर डल, ये बहुत ही एरिया है, यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ बिजनेस हब है। सो दे अवेल ऑल फैसिलिटीज फ्रॉम दिस पोस्ट ऑफिस, जैसे डिपॉजिट्स हैं, विड्रॉल्स हैं, सेविंग्स हैं, और ये इनके अलावा जो पार्सल बुकिंग इनकी होती हैं, स्पीड पोस्ट, एवरीथिंग, एवरी मीन्स, दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, वो सारी फैसिलिटी यहाँ अवेल करते हैं। ये पोस्ट ऑफिस उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पहले जहाँ जब से ये टूरिस्ट सोशल मीडिया से ये बहुत चर्चा में आया है, यहाँ जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं उनको पता होता है इस जगह का, सो दे इवेंचुअली कम हियर टू सी दिस पोस्ट ऑफिस। बेसिकली इन अदर वर्ड्स, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है। इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के पास अपनी एक खास मोहर है जो इसकी अहमियत बताती है। इस मोहर में डल झील पर एक हाउस बोट को नुमाया अंदाज में पेश किया गया है, जो कवर को एक यादगार के तौर पर बदल देता है। इसका फ्यूचर तो ऑलरेडी ब्राइट है, ब्राइट हो भी सकता, क्योंकि दिस इज अमेजिंग। तो इसके अलावा इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि यह बहुत एरियाज को कवर करेगा। बेसिकली हमने यहाँ के जो हम एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं यहाँ की स्कीम्स के बारे में, तो उससे लोग आते हैं। इसका फ्यूचर बढ़िया है, जितनी मेहनत की जाए उतना इसका स्कोप बढ़ेगा। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि डल झील भारत के साथ ही दुनिया की मशहूर झीलों में से एक है। इसे श्रीनगर का जेवर भी कहा जाता है। दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर की डल झील को हजारों लोग देखने आते हैं। यहाँ आने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो पोस्ट ऑफिस को देखने ना आए। पोस्ट ऑफिस को अंदर और बाहर से बहुत नायाब अंदाज में सजाया गया है, जो आने वाले टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।